तो हेलो गाइस, तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो भाई आज की वाली वीडियो में हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और माइनक्राफ्ट में सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ अपना एक सबसे आलीशान और नया नया घर। तो भाई बहुत ही मेहनत से बनाया है ये घर, तो इसलिए कमेंट करके बता देना भाई कि घर कैसा है, ताकि और ज़्यादा घर अच्छा बनाऊँ मैं। तो भाई तैयार हो जाओ घर देखने से पहले भाई जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा दो। भाई जल्दी से वीडियो को अभी से लाइक कर दो, नीचे लाइक का बटन बना हुआ उसको भाई क्लिक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो भाई अब मैं दिखाता हूँ अपना घर, 3, 2, 1 एंड गो। सो गाइस दैट्स माय होम। भाई ये है मेरा घर, तुम लोग देख सकते हो ये पूरा मेरा घर है। और भाई इसका एक मैं टूर दे देता हूँ तुम लोगों को, ये देखो भाई पूरा घर है। और अभी सर्वाइवल में मैं खेल रहा हूँ, इसलिए मैं जो है वो नहीं कर सकता, मतलब फ्लाई नहीं कर सकता। सो जो है आप लोग ऐसे ही देख सकते हो भाई कितना ज़बरदस्त घर लग रहा है। और भाई इसको बनाने में कम से कम मुझे माइनक्राफ्ट के तो कहीं समझ लो भाई 5 साल ही लग गए। और अगर रियल दुनिया के पूछो तो मुझे भाई समझ लो कि रियल दुनिया में कम से कम मुझे यार 5 दिन आई थिंक लगे होंगे, मतलब टोटल अगर घंटे काउंट करें तो 2 घंटे लगे होंगे मुझे घर बनाने में। और सबसे पहले अंदर चल के लेके चलता हूँ मैं तुम लोगों को अपने घर के। तो चलो भाई घर के अंदर चलते हैं, और चलो भाई घर के अंदर चल लेते हैं पहले। तो गाइस सबसे पहले तो अभी मैं फ़िलहाल आ गया हूँ क्रिएटिव में, ताकि तुम लोगों को एक फ्लाई करके घर ऊपर से दिखा सकूँ। तो भाई ये देखो सबसे पहले ऊपर से ये लुक है, और भाई अंदर चलते हैं फाइनली। तो चलो भाई अंदर चलते हैं। अच्छा इस तरफ का जो गेट है वो एक गैरेज है, तो वो मैं तुम लोगों को लास्ट में दिखाऊंगा, अभी फ़िलहाल अंदर चलते हैं घर के। तो ये देखो भाई यहाँ से हम लोग अंदर चल लेते हैं ये वाला गेट बंद करके, और ज़ॉम्बी इतना घुसे इसलिए जो है हम लोग यार एक मिनट दरवाज़ा बंद कर दिया मैंने गलती से। सो यस बहुत सारे गेट लगा दिए इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है अंदर बाहर आने में। तो यह सभी दरवाजे को बंद कर देते हैं, और देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे जो है मैंने फूल पौधे लगाए, और साइड में गैराज है, और घर के अंदर पहले लेके चल लेता हूँ, फिर तुम लोगों को पीछे का बैकयार्ड और स्विमिंग पूल दिखाऊंगा। सो अभी जो है घर के दरवाजे को बंद कर लेते हैं। अभी हम लोग जो अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड पे अगर चले तो ये मेरा है टीवी हॉल, और यहाँ पे जो है एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई हुई है मैंने, और यहाँ पे जो है मतलब देख सकते हैं हम लोग। और यस यहाँ पे ना एक मिनट मैं तुम लोग को ना अपना एक नेचुरल हाथ कर लेता हूँ फिर दिखाऊंगा। सो यस भाई यहाँ पे जो है तुम लोग देख सकते हो अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पे एक मिनट भाई पहले मैं अपना एक हाथ हटा लेता हूँ यहाँ से, और फिर जो है हम लोग चलते हैं गेम की तरफ। और यहाँ पे सबसे पहले एक मिनट गाइस। सो अब यस ये आ गया है मेरा हाथ यहाँ पे। सो हाँ भाई, सो यार यहाँ पे जब हम लोग इस तरफ आते हैं तो बीच में एक बना हुआ है डाइनिंग टेबल और टेबल, और ये पीछे जाने की जगह बैकयार्ड पे जाने की जगह, और यहाँ पे एक और डाइनिंग टेबल, फिर यहाँ पे एक सोफे की जगह बनी हुई, और यहाँ पे मेरे ढेर सारे चेस्ट हैं जिनमें अलग अलग चीज़ें हैं। सो ये सारे मेरे चेस्ट हैं, ये वाले एक चेस्ट में सारी मेरी लड़ाई की चीज़ें, वॉर की चीज़ें, और सारी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें। और यहाँ पे अगर आप लोगों को इसका भी एक मैं अलग से टूर दे दूँगा, सब में अलग अलग कामों की चीज़ें हैं। सो अब इस तरफ अगर हम आए तो यहाँ पे सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है। अच्छा हाँ एक चीज़ दिखाई दी भाई, इधर जो है मेरा एक सीक्रेट बेसमेंट बनाया हुआ है जिसको अभी अंदर से रेडी करना है, अभी काम चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो कमेंट करके बता देना तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका भी टूर दे दूँगा। सो यस गाइस अब जो है हम लोग ऊपर आ चुके हैं, ऊपर आने के बाद हमें एक लाइब्रेरी की जगह मिलती है, और फिर जो है हमें साइड में विंडो है, फिर एक रूम है अंदर जो कि बहुत ही ज़्यादा आलीशान अच्छा सा बना हुआ है, और ये रूम है भाई देख सकते हो। फिर अगर हम लोग अंदर चले तो यहाँ पे एक और बेड है, मतलब रूम टाइप समझ लो, और यहाँ पे भी एक चेस्ट लगा हुआ है, और ये मैंने एक रूम बनाया है जिसमें मैंने लावा के ब्लॉक्स लगाए हैं, और अभी मुझे भी इसका काम नहीं पता, और फिलहाल अभी ऊपर ऐसा है कुछ। और अभी चलो बाहर चल लेते हैं, और अब तुम लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ अपना जो है बैकयार्ड और स्विमिंग पूल, जो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद बनाया है। सो यस गाइस अभी हम लोग चलने वाले हैं भाई जल्दी से अपनी मेहनत की जगह। अरे भाई वापस ऊपर क्यों आ गया भाई मैं। सो यस गाइस अभी जो है मैं नीचे जाने लगा हूँ, और ये ज़ॉम्बी अंदर कैसे घुस गया है भाई। फिलहाल यार इसको बाद में मारेंगे, और ये जो है घर के अंदर घुस गया था।
और यस भाई यहाँ पे आए थे कि पीछे की तरफ से आए। सो अभी यहाँ पे जो है मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ गैरेज। सो गैरेज जो है इस तरफ से आता है, इसका भी एक अलग से डोर बनाया हुआ है मैंने, बट ये जब भी खुलेगा जब मैं कोई गाड़ी डालूँगा। अब तुम लोग बता रहे कि माइनक्राफ्ट में कौन सी वाली गाड़ी लेनी चाहिए हमें। और जो है अभी लेफ्ट हैंड से हम लोग जो है पीछे की तरफ चल लेते हैं, बिकॉज अब मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ भाई ये देखो कोकोनट के ट्रक बोल रहा हूँ भाई, कोकोनट के ट्रीज। और यहाँ पे मेरा है स्विमिंग पूल फाइनली। सो यहाँ पे जो है मैं स्विमिंग कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो है मैंने ये चेयर्स भी लगाई है जिसमें जो है हम लोग पिकनिक बना सकते हैं। और ये है मेरा बैकयार्ड, और यहाँ पे बहुत सारे फन भी कर सकते हैं हम लोग। और अब आ जाते हैं हम लोग वीडियो की तरफ भाई। वीडियो में हम लोगों ने क्या बात की थी भाई कि हम लोग जो है आयरन मैन कैसे बन सकते हैं। तो भाई देखो आज की वीडियो में हम लोग फाइनली अब टॉपिक पे आ जाते हैं कि भाई आयरन मैन कैसे बन सकते हैं इस गेम में। सो भाई आयरन मैन की एबिलिटीज़ क्या है पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। आयरन मैन के बाद बहुत अच्छी अच्छी पावर्स हैं। सो यस, तो अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आयरन मैन बन के। अब देखो गाइस यहाँ पे अभी मैं हूँ कॉनी गेमिंग जोन की स्किन में, मतलब अपनी ओन स्किन में। तो अब देखना मैं कैसे जादू से चेंज होता हूँ। तो ये देखना भाई 3, 2, 1 एंड गो। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग फाइनली आयरन मैन बन चुके हैं। और अब हम लोग चेक करने वाले हैं कि भाई हमारे पास क्या क्या एबिलिटीज आ गई है। सो सबसे पहले भाई यहाँ पे मैं जो है फर्स्ट पर्सन व्यू में आके चेक करने वाला हूँ कि क्या क्या एबिलिटीज आई हैं और कैसे जानवरों को मारता है आयरन मैन। तो वैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई कि अभी मैं जो है फर्स्ट पर्सन व्यू में आ चुका हूँ, और अब इस एनिमल को मार के देखते हैं कि कितनी जल्दी बढ़ता है। और फिलहाल ये भागने लग गई है काओ, और दो हो गए, और तीसरा, और ये चौथा पड़ा, और ये पांचवा पड़ा। और जो है आयरन मैन की एबिलिटीज इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है। 5 में ये मरा है, मरी है काओ। और अब शीप को मार के देख लेते हैं। तो भाई 1, 2 और यहाँ पे 3 और ये 4 और ये 4 में मर गया। तो भाई आयरन मैन की एबिलिटीज इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं नज़र आ रही है, बट यस यहाँ पे 4 पे ये मर गया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई अभी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीन हो गया है, बिकॉज हम लोग जो है आयरन मैन बन चुके हैं भाई। और अब नेक्स्ट वीडियो भी भाई माइनक्राफ्ट की ही आएगी। तो अगर आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दिएगा। और अगर आप लोग को भी जानना है कि आयरन मैन कैसे बनते हैं इस गेम में तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।